रेस्टोरेंट में कस्टमर के साथ मिसाली सलूक किया जाता है ताकि माहौल और सर्विस से मुस्तफीद हो। इससे रेस्टोरेंट की शोहरत में इजाफा होता है बल्कि इसकी सेल भी बढ़ती है। मगर जापान में एक रेस्टोरेंट ऐसा भी है जहाँ कस्टमर्स को थप्पड़ मारे जाते हैं। जापानी रेस्टोरेंट ने कस्टमर को स्नैक्स पेश करने से पहले मुंह पर थप्पड़ रसीद करने की अनोखी सर्विस मुतारिफ करवा दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक शाची हुकू नामी ये अजीबो गरीब सर्विस का हामिल बार जापान के शहर नगोया में वाके है, जहां कस्टमर्स को खाने पीने की चीजें पेश करने से पहले खवातीन स्टाफ की जानिब से थप्पड़ रसीद किए जाते हैं। जापान के इस बार में शुरू में खवातीन स्टाफ में से सिर्फ एक खातून कस्टमर की फरमाइश पर उसे थप्पड़ मारती थी। ताहम इस अजीबो गरीब शौक की मांग बढ़ने पर इंतजामिया ने थप्पड़ मारने के लिए मुतादित खवातीन को बाकायदा हायर कर लिया, जो एक थप्पड़ मारने का 100 येन यानी 90 सेंट तक वसूल करती है। ये अनोखी सर्विस जापानी शहरियों के साथ साथ गैर मुल्की सयाहों में भी काफी मकबूल हुई है। मुतनाज़े सर्विस की वजह से बार के कारोबार में काफी हद तक इजाफा हुआ है। बार का रुख करने वाले मनपसंद लड़की से थप्पड़ खाने का 500 येन तक देने के लिए तैयार हो जाते हैं।